नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर एम लक्ष्मी कांत किताब से इंडियन पॉलिटी का, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सेट प्रैक्टिस नंबर 44 करेंगे, चैप्टर नंबर 43 का, जिसमें आपका पार्ट ही एक ही पार्ट में कम्प्लीट होगा। ठीक है, और इसमें ऑनली क्वेश्चन से करेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका पार्ट नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आज हम चैप्टर नंबर 43 नेशनल कमीशन फॉर एसटी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 43 आपका आ गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, तो द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट। और स्टेटमेंट टू है, द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ओनली वन इज राइट। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, सॉरी, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका सही है और आपका सेकंड गलत है। द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो 4 का ऑप्शन नंबर आर्टिकल 338 है। तो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 338 ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर अपॉइंटेड बाय द, तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, 6 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, द नेशनल कमीशन फॉर एसटी प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। एंड दूसरा आपका, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द नेशनल कमीशन फॉर एसटी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द एसटी। तो 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑनली 2 इज राइट। ठीक है, तो आपका पहला गलत है, द नेशनल कमीशन फॉर एसटी प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, यह आपका गलत है। और दूसरा सही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द नेशनल कमीशन फॉर एसटी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द एसटी। कुछ आपका 7 है, स्टेटमेंट 1 कह रहा, द नेशनल कमीशन फॉर एसटी इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीड्यूर। स्टेटमेंट 2 है, द नेशनल कमीशन फॉर एसटी व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट हैज ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आपका जो है स्टेटमेंट 1। तो आपका दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 द नेशनल कमीशन फॉर एसटी इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीड्यूर सही है। द नेशनल कमीशन फॉर एसटी व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट हैज ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, यह भी आपका सही है। ठीक है, तो इस पर हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका चैप्टर नंबर 44 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से। ठीक है।